हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिर्फ दो चीज़ों से बना बहुत ही क्रिस्पी और चटपटा नाश्ता। आप इसे बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं या इसे नाश्ते में भी बना सकते हैं। बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम समय में कम सामान से ये तैयार होता है। ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी होता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यह मैंने चार आलू लिया है, इसे अच्छे से मैश कर लें। मसाले में ले रही हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, नमक टेस्ट के अनुसार, यहाँ मैं 1 कप सूजी ली हूँ, 1 कप दही। दही हमारी ताजी है, ये खट्टी दही नहीं है। इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दे रही हूँ। अब इस बैटर को हमें आलू में मिक्स करना है। अब इसका आप अपने पसंद का शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर रोल का शेप दे रही हूँ, आप इसे गोल या चपटा भी कर सकते हैं। बच्चे जिस शेप में पसंद करते हैं आप उसी शेप में इसे बनाएं। हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लें, इसके बाद इसको शेप दे दें। इसे अच्छे गोल्डन ब्राउन कर लें। फ्लेम को मीडियम रखेंगे, बिल्कुल हाई फ्लेम पर इसे नहीं तलना है। देखिए कितना प्यारा कलर आया है, बिल्कुल क्रिस्पी है ऊपर से। मैं इसे तोड़ कर दिखा रही हूँ, अंदर बिल्कुल सॉफ्ट और ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी है। आपको सूजी के जो दाने वो भी दिख रहे होंगे। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बच्चों के टिफिन में दें और नाश्ते में भी इसे सर्व करें। हमें कॉमेंट में बताएं कैसी लगी आपको ये रेसिपी। हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन उसे ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी।